सितारगंज भाजपा युवा मोर्चा के युवाओं ने रामलीला मैदान से एक विशाल बाइक रैली निकाली। दरअसल नकल विरोधी कानून में दोषी को 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया, जिससे नकल माफियाओं की दुकान बंद होगी। बता दें, रैली नगर के मुख्य चौराहे से होती हुई वापस रामलीला मैदान में खत्म हुई। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने पर समस्त प्रदेशवासी, सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया। आपको बता दें, इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री की प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को इस कानून को लाने पर केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए सितारगंज के मुख्य चौराहों से, चौक चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में ही किया गया है। बच्चे जो है नकल कर के पास हो जाते थे, जब आगे जाकर जब पोजीशन में बैठे थे तो सारे खड़े हो जाते थे। आज जब बिना नकल के पढ़ते पास होने तो कम से कम पोजीशन में तो आगे आए थे। यह काम जो धामी जी ने किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। आज जो हमारे नवनिर्वाचित युवा वर्ग के लोग नवनिर्वाचित किए गए हैं, उनको ये देखना है कि धामी जी के कार्यों को, माननीय मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को ये लोग आगे बढ़ाएं।